क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। प्रीति लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। द इश्यू वॉज अंडर रिटन एज फॉलोज। ए 30%, बी 25% एंड सी 30%। सो ए ने 30% की गारंटी दी है, बी ने 25% की गारंटी दी है और सी ने 30% की गारंटी दी है। अब अगर आप इसका टोटल करके देखोगे कि 30 + 25 + 30 तो ये 85% होते हैं। तो कंपनी ने सारे अंडरराइटर्स को 100% शेयर्स नहीं दिए, कंपनी ने क्या किया है 30 25 30 दिया है। तो बाकी कंपनी, ये मैंने कंपनी लिखा है, कंपनी ने 15% है ना अपने पास रख दिए। ऐसा क्यों? जो कंपनी स्टार्ट कर रहा है उसकी भी तो जान पहचान होगी, उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स एम्प्लॉई, वो जो शेयर्स लेंगे ना वो ही अपने में काउंट करेगा। अगर वो अपने में काउंट करेगा तो उसकी कमीशन बच जाएगी ना, तो इसलिए कंपनी ने 15% शेयर्स अपने पास रखे हैं। तो इसे कहते हैं पार्शियल अंडररिटन। पार्शियल मीन्स सारे 100% शेयर्स नहीं दिए, 85% का गारंटी दी जाए कि 85% आप लोग मुझे सेल करवा के दोगे। सो आओ देखते हैं क्या दिया हुआ आगे। अब 20,000 का, 20,000 का अगर 30, 25 and 30 किया है तो परसेंटेज क्या होंगे निकालो। 20,000 का 30% कितना होगा? तो वो होगा 6,000। तो इस 6,000 को हम यहां पर लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी, देन 20,000 का 25% 5,000, 30% 6,000, टोटल 20,000, ठीक है। नाउ मार्क्ड एप्लीकेशन देखें कितना आया है। तो मैंने आपको बताया इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल अंडरराइटिंग। पार्शियल अंडरराइटिंग किया है, फुली अंडरराइटिंग नहीं किया है। सो नाउ ग्रॉस लाइबिलिटी मिल गई। देन कंपनी रिसीव्ड अ टोटल नंबर ऑफ 16,000 एप्लीकेशन ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज फॉलोस। सो मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन 3600, 4400, 5500 और कंपनी के लिए तो कुछ भी नहीं। सो टोटल करो पहले इन तीनों का, 13,500। अब माइनस करेंगे, 20 - 13,500 6,500, 3,000। देखो कंपनी अपने लिए मार्क्ड नहीं करेगी। कंपनी अपने लिए क्यों नहीं मार्क्ड करेगी? क्योंकि कंपनी तो अपने फॉर्म्स ऐसे ही दे देगी, ये तीनों मार्क करेंगे। सो माइनस करो 6,000 माइनस 3,600 2,400 600 500। अब माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब कंपनी इनको क्या कहेगी कि देखो मैं आपको फॉर्म दे रही हूं, आपको अपना स्टैंप लगाकर ही क्लाइंट को देना है और जो अनमार्क्ड है वो मेरे हैं। तो इससे कंपनी का क्या होगा, कंपनी अपने अपने एम्प्लॉइज रिलेटिव्स इनको तो शेयर्स अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म ही देंगे, प्लस इनका कोई स्टैंप लगाना भूल गए ना तो वो भी कंपनी का हो जाएगा। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली है देखो 16,000, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी थी 13,500, तो अनमार्क्ड कितनी रही 2,500। तो ये अनमार्क्ड कंपनी कहेगी ये तो मेरे हैं 2,500। सो इसमें इन सबको तो जीरो मिलेगा। सो जब पार्शियल अंडरराइटिंग करते हैं तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कंपनी अपने कंसीडर कर लेती है,
उनको बोलती है आपका तो स्टैंप लगा हुआ है वही आपका है सिर्फ, बाकी सब कंपनी का है। सो ए का कितना बचा? 2400, 600, 500, 4000। तो अब इन सबका टोटल करके देखो 4000 आ रहा है। आ रहा है और ये हो जाएगी नेट लायबिलिटी। अब 2400 शेयर्स ए को खरीदने पड़ेंगे, 600 बी को और 500 सी को। तो देखो यही आंसर है नेट लायबिलिटी में, ए 2400, बी 600 एंड सी 500 शेयर्स, ये इनकी नेट लायबिलिटी है। अब इनको इतने शेयर्स अपने खरीदने होंगे। सो एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, जब फुली अंडरराइटिंग होता है तो पहले ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि टोटल एप्लीकेशन इतने आए थे मार्क देते हुए तो ये अनमार्क्ड होंगे। अगर फुली अंडरराइटिंग हो तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन सभी अंडरराइटर्स में उनके रेशियो में डिवाइड हो जाता है, लेकिन अगर पार्शियल अंडरराइटिंग हो जिसमें कंपनी भी साथ में है तो कंपनी मार्क्ड एप्लीकेशंस अंडरराइटर्स को देगी और अनमार्क्ड एप्लीकेशन अपने में काउंट करेगी। तो ऐसे आपको नेट लायबिलिटी निकालनी है। तो इस सम के ऊपर लिख देना कि पार्शियल अंडरराइटिंग होता क्या, एग्जाम के दिन स्टूडेंट कॉल करते हैं, सर पहले वाला सम करवाया था उसमें तो अनमार्क्ड आपने ABCD में डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें क्यों नहीं किया? तो उसके ऊपर जो इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट सम किया था उसके ऊपर हेडिंग देना फुल्ली अंडरराइटिंग और इस सम के ऊपर हेडिंग देना पार्शियल अंडरराइटिंग। तो पार्शियल में मार्क्ड एप्लीकेशन अंडरराइटिंग की होगी, अंडरराइटर्स की होगी, और अनमार्क्ड एप्लीकेशन कंपनी अपने अपना अकाउंट कर लेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नाउ नोट डाउन कर लीजिए ये सम, नेक्स्ट लेक्चर में एक और सम करेंगे।